हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव माइंड्स चैनल। आज हम कक्षा 8 का पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के प्रश्न उत्तर करेंगे। ये CBSE NCERT की बुक वसंत भाग 3 से लिया गया है। वीडियो शुरू करने के पहले पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र यानी कि लेटर। आइए उत्तर देखते हैं। पत्रों का अपना अलग महत्व है। पत्रों में अपनों की लिखावट से ही मन खुश हो जाता है। लिखावट मतलब राइटिंग। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन फोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होती, तो हम शॉर्ट में ही मैसेज लिखकर भेज देते हैं या फ़ोन पर बात कर लेते हैं। डिटेल में ज़्यादा बात नहीं कर पाते, लेकिन एकदम अकेले में अगर हम लेटर लिखते हैं तो हम अपने मन की सारी बातें सोच कर लिख सकते हैं। पत्रों को हम अपने सगे संबंधियों की यादों के रूप में सहेज कर रख सकते हैं, परंतु फ़ोन या SMS को हम सहेज कर नहीं रख सकते। लेटर्स को हम अपने पास रख सकते हैं, पर SMS या फ़ोन पर कुछ हमने लिखा हुआ है वो कभी भी डिलीट हो सकता है, डेटा हमारा जा सकता है। इसलिए इन्होंने लिखा है कि हम उनसे सहेज कर नहीं रख सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है, मतलब आप अपने मन की सारी बातें लिख पाते हैं और सोच कर अच्छे से लिख पाते हैं, तो पूरी आपकी पर्सनैलिटी को वो दिखाता है, आत्मा के आपके विचारों को दर्शाता है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्रों में सब अपने मन की बात डिटेल में लिख सकते हैं, उससे साइकोलॉजी रीड कर उससे रिसर्च की जा सकती है। प्रश्न 2 है, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़िद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए, यानी कि ये पत्र को खत, कागद के कौन कौन सी लैंग्वेज में बोला जाता है ये आपको लिखना है रिसर्च कर। उत्तर देख लेते हैं। खत, खत कौन सी लैंग्वेज में बोलते हैं? उर्दू। कागद, कन्नड़। उत्तरम, तेलुगु भाषा। जाबू, तेलुगु। लेख, तेलुगु। कड़िद, तमिल। पाती, हिंदी। चिट्ठी, हिंदी। पत्र, संस्कृत। और लेटर, इंग्लिश। प्रश्न 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, मतलब स्कूल के सिलेबस में लेटर राइटिंग आपको कराई जाती है, हिंदी में पत्र लेखन कराया जाता है, वो ऐड किया गया सिलेबस में। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी प्रयास किए गए। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सिलेबस में ही पत्र लेखन या लेटर राइटिंग को शामिल किया गया है, वर्ल्ड के और भी कंट्रीज में ऐसा किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। उत्तर देख लेते हैं। पत्र लिखित रूप में होते हैं, पत्रों को लोग सहेज कर या संभाल कर रखते हैं, परंतु SMS को जल्दी ही भुला दिया जाता है या वो डिलीट हो जाते हैं या तो उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। SMS को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, परंतु पत्रों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का असली साधन है। अगला प्रश्न है,
क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर है, प्रत्येक वस्तु का अपना एक अलग महत्व होता है। उसी प्रकार आज तकनीकी की दुनिया में चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। अगर हम किसी को लेटर पोस्ट करते हैं, उस पर टिकट नहीं लगाते, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में लिखना है। उत्तर है, सही पता ना लिखकर पत्र भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है, तभी उसे पत्र दिया जाएगा, अन्यथा पत्र वापस चला जाएगा। अगला प्रश्न है, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? जो पिन कोड लिखा होता है, हर एरिया का एक पिन कोड होता है, तो वो आपको बताना है कि वो एड्रेस को कैसे बताता है। आइए उत्तर देखते हैं। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है, खास क्षेत्र मतलब स्पेशल एरिया को, कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है, किस एरिया का, किस स्टेट का है, किस स्टेट के किस एरिया का वो लेटर है, उसे पिन कोड से पता किया जा सकता है। इसके अंकों में शहर का संकेत होता है, इसलिए पिन कोड में भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। पिन कोड का पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है, हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। पहला नंबर बताता है राज्य, दूसरा उपक्षेत्र, तीसरा संबंधित डाकघर। पहला अंक राज्य, दूसरा अंक क्या बताता है, उपक्षेत्र। चौथा, पांचवा, छठे नंबर से हम डाकघर का पता लगा सकते हैं, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखा होना चाहिए, तभी उसके घर जाएगा। पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर के पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? जो महात्मा गांधी को लेटर आते थे, उन पे उनका एड्रेस नहीं लिखा होता था, बस महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था। उत्तर है, महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे वो। गांधी जी भारत देश का गौरव थे, वे ज़्यादातर देश भ्रमण पर थे, यानी कि वो घूमते रहते थे पूरे देश में, इसलिए पत्र लिखने वाला इंडिया लिखकर पत्र भेजता था। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं, ये देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। अगला प्रश्न भाषा की बात से है, किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। पहला है दैनिक पत्र, दैनिक यानी डेली लेटर। दूसरा साप्ताहिक पत्र, वीकली लेटर। तीसरा मासिक पत्र, मंथली लेटर। चौथा 6-मासिक पत्र, 6-मंथली लेटर। अगला है वार्षिक पत्र यानी कि एनुअल लेटर। 6th है प्रेम पत्र यानी कि लव लेटर। 7th है सरकारी पत्र यानी कि गवर्नमेंट लेटर। अगला है प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन लेटर। 9th है त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर। 10वां है निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन लेटर। अगला प्रश्न है, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है, एक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्यपुस्तक से खोजकर लिखिए। उत्तर है, पहला है माध्यमिक, दूसरा साहित्यिक, पौराणिक, दैनिक,
पारिश्रमिक, जैविक, प्रारंभिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, स्वाभाविक, आर्थिक, व्यवसायिक। अगला प्रश्न है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र से बना है, इस संधि में ई से बड़ी ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां चार प्रकार की मानी गई हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। दीर्घ अ ई उ के बाद या दीर्घ अ ई उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ बड़ी उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे संग्रह प्लस आलय तो क्या बना, संग्रहालय। महा प्लस आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका शिक्षक को दिखाइए। उत्तर है, पहला है विद्यालय, विद्या प्लस आलय तो आ आ क्या हो गया, आलय। संग्रहालय, हिमालय, हिम प्लस आलय, भोजनालय, भोजन प्लस आलय।